नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी हो, कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है? भर्तियों का पिटारा, भर्तियों पे भर्तियां, यानी हम इतनी भर्तियां निकालेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी की तैयारी करें, कौन सी की नहीं करें। पहली बात तो आपकी कुछ गलतियां ये रही कि आपने सीईटी को अच्छे से तैयारी नहीं की, अच्छे से सीरियस नहीं लिया, ऐसे ही ले लिया जैसे होता है। अब खुद सोचना चाहिए कि सीईटी के अंदर कितने सब्जेक्ट लग रहे हैं, तो सीरियस तो लेना ही था। ये तो है नहीं कि सिर्फ जीके आता है उसमें, और सीईटी का वैसे भी 1 साल पूर्ण हो गए, तो नए बच्चे भी चाहते हैं कि इन भर्तियों में शामिल हो, तो इसके लिए भी उनकी भी मांग जायज है कि बिल्कुल सीईटी दोबारा होनी चाहिए ताकि हमें भी शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि समय भी पूरा हो गया है। एलडीसी की एक बड़ी भर्ती है, बाकी भर्तियों में पद थोड़ी कम है, इसमें थोड़ी ज्यादा है। अब आप कहोगे, सर कब भर्ती आई, आप इतने लेट आए हो, इतने आलसी क्यों? बात आलसी की नहीं है, मैं भी फ्री था, मेरे भी कोई काम नहीं था। रीजन ये है कि जब आए तो पूरी विज्ञप्ति पढ़ के जो बातें आपके लिए जरूरी है वो सारी बातें अगर निकालें तो फिर आने का स्वाद हो, वरना तो वो पीडीएफ लगा के सीधा कह दिया ये, वो एक अलग चीज है। इसीलिए संपूर्ण जानकारी के साथ कि आपके कौन से सब्जेक्ट, कैसे तैयारी करें, क्या आपका ओबीसी प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, विवाहित महिला का कौन सा लगेगा, किसको कितना आरक्षण है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, क्या है, इस हिसाब से देखो। इस बात का तो आपने बार बार रट लिया होगा कि कितने पद आए हैं, पद इतने आए हैं, लगभग 4,000, लगभग क्या, ये तो पूर्ण ही है, 4,197, जिसमें से लिपिक ग्रेड यानी शासन सचिवालय में 584, फिर आपकी आरपीएससी में भी लगेगी, कब कह कर मैं आरपीएससी में एलडीसी हूँ तो भी मुझे तो फायदा थे मेरे, चलो मैं फोन पकड़ के आता कह कौन उसको बैठा पेपर कबाड़ के दे, क्योंकि शानदार शानदार अच्छे नियम बना रही सरकार, पूर्णतः सत्य है। मैं आके इसको गया, कोई सूचना है पेपर वेपर कद हो, जत्थे कह इसको गुरुजी विभाग में थोड़ी चर्चा चल रही है कि जल्दी पेपर कराओगी, बस इतने। तो आपकी आरपीएससी में होगी, फिर आपके राज्य अधीनस्थ विभाग कार्यालय जो सब जगह होता है वहां टोटल पद है इतने, ये आपको पता है, ठीक है। अब जब भी फॉर्म भरोगे, भर लिया होगा, भर लिया क्या, भरना शुरू करोगे, पीछे भी फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म में एक तो फोटो नहीं लगानी है विद स्माइल, ठीक है, एकदम चश्मा चश्मा है तो थोड़ा सा हटा के बढ़िया तरीके से विद स्माइल अच्छी फोटो आपकी आनी चाहिए, यानी 1 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें ताकि सेंटर में जाते टाइम मिला ले, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन के दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है, यानी कह मेरे कान गए वो भाभी दिखना नीचे होना चाहिए, वो भी बताना जरूरी है। यहां बात आती है कि कोई बीआईडी महिला है, विवाहित महिला के आवेदन को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत, यानी बीआईडी महिला पति के नाम और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये लाइन विज्ञप्ति में लिखी गई है, ये ध्यान रखना। महिला है तो आरक्षित दर्शाए गए पदों नियंत्रण 8%, यानी विडो महिलाओं को कितना आरक्षण है, 8% है, और 2% किनको है, परित्यक्त, परित्यक्त को समझ ले तलाक वगैरह उनको है, महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, तो ये भी बहुत परसेंट बहुत हो जाता है, क्यों इतने मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं 8% ही, क्यों अब कई होंगे ये समझे, अक्सर सीटी लगभग 150 से ऊपर है, वो अच्छी तैयारी करो, क्योंकि 60-65 हजार बंदे आएंगे इसके अंदर, तो आप अच्छी तैयारी के लगे रहो, दोबारा सीटी तो और ही अच्छी बात है। भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% है, आराम से वो तो पेपर में जाके बैठ जाना, फौजियों आपका तो हो जाएगा आराम से, लेकिन वो सीटी भी होना जरूरी है, ठीक है। खिलाड़ियों को जो आरक्षण 2% है, वो कौन कौन से खिलाड़ी किस किस में ऐसी गेम वगैरह भाग लिया, वो एक लिस्ट है, वो पीडीएफ आपकी टेलीग्राम मिल जाएगी, वहां से भी देख सकते हो जो भी खिलाड़ी है वो, ठीक है। और जो भी MII जो भी बच्चे हैं ना, उन बच्चों को भी इसमें आरक्षण दिया गया है दिव्यांग को, ठीक है, ठीक है। गुरुजी आयु आयु घनी कर रखी है, देखो 18 साल को तो थे कम से कम होना ही चाहिए, कि 18 सालों पहले समझदारी आवे ही, 18 साल को तो टॉपर होना ही होना चाहिए, लास्ट 40 है, अगर छूट सहित करोगा तो 45 तक जा लेगा ले, और फिर कितो चाहिए। अब आ उसके के कोई 18 को अभी तक नहीं हुए बाबा यार, ये देखो तो वो आप निकाल लेना, इतनी तारीख को आपका होना जरूरी है, 18 से 40 के बीच में अगर थे हो तो थे आराम फॉरम भर सको, ठीक है जी। सर फॉरम कब तो शुरू होएगा, फॉरम होएगा 20 तारीख, अब देख लियो आज होगी कितनी, 15 15, यही नहीं 15 होगी, 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा, वेट कौन करना है, जाके टूट पड़ियो और जाके फॉर्म भरा दियो, मेरा नाम ले लियो, पिसा बिल पूरा दे दियो, फॉर्म भरा दियो, ठीक है गुरु जी, ठीक है आगे चलो, थे काम ही बात होता, सिलेबस की चर्चा करो। परीक्षा की क्या स्कीम है, अच्छा गुरु जी थे स्कीम ले आओ, ऑफर ले आओ, अभी स्कीम ले आओ, बिल्कुल अभी स्कीम है, वैसे तो दो है, पहला पास करोगे फिर टाइपिंग है, पहले के अंदर क्या क्या आएगा, 3 घंटे में 100 प्रश्नांगों तो आओगे के जीके साइंस और मैथ, आजकल रीजनिंग की जगह मैथ कर दिया लगभग चीजों, जैसे आपने देखा पशु परिसर में भी मैथ है,
और यहां भी मैथ है, रीजनिंग नहीं है। साइंस, जीके और मैथ, जीके में कौन कौन सा जीके उसकी विस्तृत चर्चा हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और टावरो हिंदी एंड इंग्लिश, वाह सर क्या बात है, 100-100 मिल गया, हो गया 200, 3 घंटा 3 घंटा, ठीक है मिल गया, हो गया 6 घंटा। चलो देखो अब समझो चीज में, ओ टाइपिंग आर बचीजा है, ठीक है वह बाद ही बात है, पहले अपन पास करेंगे फिर टाइपिंग हम करा देंगे, कंप्यूटर बहुत है। और यहाँ जो ऑफलाइन में एलडीसी में जो भी लेना चाहे एलडीसी, जिसकी तैयारी 150 पर वो बढ़िया, साथ साथ में क्योंकि टाइम बहुत पड़ा है आपको, अगस्त में एग्जाम है वो टाइम है, तो बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो गुरुकुल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम लाइब्रेरी आपको दे देंगे, आपको तैयारी कराएंगे, और सबसे बड़ी बात देखो फीस मिनिमम जो है वो है, सबसे कम फीस है राजस्थान की, और कम से कम 7 से 8 रोज क्लास होती है। इसके अलावा महीने में रोज 4 टेस्ट होंगे पक्के, 3 छोटे 1 बड़ा, फिक्स शेड्यूल चलता है, वो टेस्ट होगा ही, वहां से आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो इसके लिए ऑफलाइन में है ये चीजें, तो ऑनलाइन में आपको क्या है वो बातें बताएंगे। देखो सिलेबस क्या है, देखो 100 अंकों को सिलेबस है, उसकी चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि सबसे पहले नॉलेज आपको सिलेबस का होना ही होना चाहिए। समझो देखो करंट, अब वो प्रश्न बड़ो खतरनाक बन गया है, सर करंट कितना दिनांक पड़ गए। देखो टावरो रूल जो होता है ना वो लगभग 2 साल का होता है, भी कुछ चीजें तो करंट नहीं, वो तो स्थाई बन गई, जैसे जब नोटबंदी हुई थी तब वो करंट था, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो युगो युगो तक पूछा जाएगा कि नोटबंदी कब हुई भारत में, तो ये वो एक अलग चीज है। बाकी जो करंट है रूल यही होता है कि 2 साल तक आपको पूछ सकते हैं, लेकिन लगभग वो अगर 10 क्वेश्चन है तो 6 से 7 क्वेश्चन वो 6 महीने का ही उठाता है, अंडर 6 महीने के अंदर ज्यादा उठाता है। करंट में भी कौन कौन सी चीजें, राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर की, यानी इंडिया करंट भी पढ़ना है, यानी करंट सारा ही पढ़ना है आपको, मुद्दे तथा संबंधी संगठन और संस्थाएं, चलो वो तो, यानी करंट आपको पूरा ही पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है और अपने राजस्थान का भी पढ़ना है। और देखो भूगोल एवं प्राकृतिक, भारत की पारिस्थिति की एक ही टॉपिक दिया है अभी तक, बहुत इजी टॉपिक है, आप कहोगे तो मैं 1-1.5 घंटे का है करवा दूंगा, और बाकी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। राजस्थान की मैं अगर देखूं तो पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भौतिक प्रदेश लिख दिया सब आ गया, जलवायु वनस्पति मृदा प्रमुख भौतिक मानव संसाधन जनसंख्या जनजाति राजस्थान प्रकृति खनिज वाणिज्य सब आ गया, यानी ज्योग्राफी की जो आपके पास किताब है चेटक के नाम लूंगा वो है तो और ही अच्छी बात, दूसरी है तो दूसरी पढ़ लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। चलो गुरुजी ठीक है, अब पूरी ज्योग्राफी, कृषि और आर्थिक समीक्षा, पूरो 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 सिंचाई, यानी गुरुजी सगड़ी ज्योग्राफी सगड़ी। चल अब बात आई सर थार लो इतिहास बताओ, तो जो ज्योग्राफी सगड़ी है सारी है तो इतिहास भी तो सारो ही वेगो। मध्यकालीन का मतलब पूरा राजपूत काल आ गया, स्वतंत्रता आंदोलन को मतलब राजनीतिक चेतनाओं मतलब है प्रजामंडल, क्रांति, क्रांतिकारी, एकीकरण, कुर्सी सोई आगे सोई आगे ओरे पढ़ो पढ़ो, राजनीतिक पुनर्जागरण होगी चीजें भाई, ये सारी है चीजें। लोक भाषा ये टॉपिक आजकल बड़ा फेमस है, बहुत पूछते हैं, ये पूरा अलग से टॉपिक डाल रखा है, राजस्थान की बोलियां साहित्य यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक संगीत और लोक नृत्य कितो सोरो टॉपिक है, घुमर गामर थर से ए टॉपिक है, नहीं है देखो यूट्यूब पर मेरा बहुत मस्त मस्त कराइड है, संत कबीर लोक देवी देवता अभी तक कौन कराया, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक कराइड है। और देखो मेला त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा आभूषण और ए भी कराइड है टावरो, टॉपिक इतना मस्त तरीको मेरा कराइड है, यूट्यूब पर पड़े प्ले लिस्ट है, और लाइव पढ़ना चाहो का मजेदार तरीके से दोबारा तो फिर ऑनलाइन कोर्स वो है ही, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी, जब इच्छा हो तब आ जाइए, बाकी सोमवार से एलडीसी का ऑफलाइन बैच भी ले रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, औद्योगिक विकास प्रमुख उद्योग ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सारी आएगी, चर्चा करनी जरूरत ही को नहीं। अब बात है साइंस की, तो साइंस जनरल साइंस पूरी आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण अपचयन, धातु अधातु और कार्बन, देखो सारी ज्योग्राफी आ गई लगभग, प्रकाश परावर्तन ठीक है, विद्युत यानी फिजिक्स होगी, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी बहुत अच्छा टॉपिक है ये ध्यान रखना, आनुवंशिकी ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन अच्छा ये भी अलग से दिया है क्या इसने, ठीक है, जंतु आर्थिक रक्त समूह ब्लड ठीक है, आ है मैथ, फुल डिटेल से आप देख लेना समझ लेना। अब आइए मैथ, 10वीं लेवल तक के मैथ कंपटीशन है वो फिक्स है, जो है वो चलती आ रही है, वो पटवारी में वही है, सीटी में वही है, यहां भी वही है,
अब उसको पूछने वाले का डिपेंड करता है वो कितना डीपली चला जाता है। दसवीं लेवल की मैथ बोल के भी वो ऐसे सवालों जा देगा जो ग्रेजुएशन वाला सॉल्व नहीं करते, वो तो उस पर डिपेंड है। अनुपात समानुपात सांझा ये सारे टॉपिक आप देख लेना मैथ के। कौन चर्चा करते हैं हम किसकी, हिंदी की। वो पैटर्न आ गया, आराम से पैटर्न समझ में आ गया आपको। 100 नंबर है, 150 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टावरो देखो हिंदी की थन बात बताओ, मेरी बात सुनो कि राजस्थान में नौकरी लगना है तो हिंदी आनी जरूरी है। कहां कहां देखो, पीटीटी का पेपर दो हिंदी, बीएसटीसी का पेपर दो हिंदी, एलडीसी का पेपर दो हिंदी, सीईटी का पेपर दो हिंदी, आरएस मैन का पेपर दो हिंदी। सिर्फ और सिर्फ एक राजस्थान पुलिस को छोड़ के, इसमें भी पीछे मुद्दा उठा था कि हिंदी दो, राजस्थान पुलिस को छोड़ के सब में हिंदी आएगी, जबकि एसआई तो पूरा ही हिंदी पे डिपेंड है। और हिंदी को अगर हम जैसे छठी क्लास में पढ़ते आ रहे बच्चों अगर वैसे ही पढ़ी के आ मिल गए आ हो गयो, बड़ा शॉर्ट तरीके बता रखे है मैंने। यूट्यूब पे पढ़ना चाहो तो पूरी हिंदी यूट्यूब पे पढ़िए, सारे टॉपिक पढ़िए, यहाँ तक कि आप किसी कोचिंग में जाओगे बहुत सारे टॉपिक करवाए नहीं जाते, जैसे विलोम शब्द, अनेकार तक, शब्द युगम, ये टॉपिक करवाए नहीं जाते, बड़े मुश्किल होते। ये भी मेरे करवाए में पड़े यूट्यूब पे। ऑनलाइन कोर्स में अगर आना चाहो वहां भी आपको हिंदी मिलेगी बढ़िया तरीके से, अभी करंट की करवाई हुई मिलेगी, और लाइव भी बची हुई लाइव आधी हो चुकी है, आधी लाइव, आधी सिर्फ मेरी हिंदी हुई, बाकी सारा कोर्स जो है ऑनलाइन 10% ही हुआ है, बाकी 90% पढ़ा है। आप आराम से कोर्स खरीदो, रोज 4 से 5 घंटे क्लास लो, एलडीसी में आराम से चांसेस है। ये हिंदी होगी, कर्तृवाच्य कर्म, सहकर्मक, अकर्मक, सारे सरल संयुक्त मिश्र वाक्य, ये इंग्लिश है, इनका भी वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और क्योंकि हिंदी बड़ी मैन है, देखो टावर हिंदी पढ़नी थारे लिए बहुत जरूरी है। अब जो एलडीसी का दुरीना के ऊपर नया कोर्स है, एकदम मिनिमम फीस, अब यूं ज्यादा टावरों कम किए करा, वही मिनिमम चार्ज है। देखो था बेरो नाको सो लगावा, हाँ एक मिनट नाको लगाओ, यहाँ लगाओ तो बढ़िया टीम है, देखो 8 से 10 टीचर है। आप ऑफलाइन हमसे पढ़े में से कभी पूछना, वो क्या बताएगा कि सच में गुरुकुल जैसी पढ़ाई कहीं नहीं, 8 से 10 घंटे क्लास लगेगी, बेहतरीन टीम है, 4-4 हम रोज टेस्ट लेते हैं, पूरा IQ आपका चेक होगा, इसे टेस्ट से भी पता चल जाता है, शांति प्रिय अच्छी टीम, स्थायी टीम, ना टीचर बदलना ना घंटा बदलना, वही चलेगा टीचर पहले दिन आपको मिला है, वही टीचर लास्ट तक सिलेबस करवाएगा। अब इससे अच्छा क्या देंगे, वो भी मिनिमम फीस हमारी, एकदम मिनिमम, सिर्फ सेवा कर रहे हैं ताकि हमारे शहर का भला हो जाए और आपको पढ़ने का ऑफलाइन मौका मिले। लेकिन सब बच्चे ऑफलाइन तो नहीं आ सकते, ऑनलाइन के अंदर एकदम मिनिमम फीस रखी गई है, देख लो 1199 अभी ऑफर के तहत की है, नई भर्ती आई है, इसलिए राजस्थान एलडीसी 65 से 70 हजार बच्चे हैं, पढ़ेंगे सभी, कोई हमसे ऑफलाइन पढ़ेगा, कोई हमसे यूट्यूब पे पढ़ेगा, कोई ऑनलाइन कोर्स के, कोर्स में कोई बाधा नहीं है। और जो टीचर 8 से 10 टीचर, उनका भी खर्चा निकल जाता है, टीचर भी किसी में कोई शिकायत नहीं आएगी, भले हिंदी हो, भले इंग्लिश हो, भले किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई शिकायत नहीं, भले जीके का, आपको पता है हमारी बेहतरीन टीम है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, कोई मुकाबला नहीं होगा। हिस्ट्री पूरी मैं करवाता हूँ, कल्चर 2 टीचर करवाते हैं आपको, और ज्योग्राफी 1 टीचर करवाएगा नारायण जी सर, और रमाकांत जी सर, सुरेंद्र जी, अरे एक से एक बेहतर टीचर, किसी में कमी नहीं निकाल सकते आप। तो ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहो या ऑफलाइन करना चाहो तो आप सोमवार तक आ जाइएगा, आपको टाइपिंग हम ऑफलाइन यहाँ करवा देंगे, क्यों कंप्यूटर हमारे पास 25-30 कंप्यूटर पड़े हैं, वो भी सुविधा हम आपको दे देंगे। इसी के साथ जैसे आपका पेपर हो आपको वो भी प्रैक्टिस करवा देंगे, लो जी आपकी सारी समस्या बैठ देंगे। अब और क्या चाहिए बताओ, ऑनलाइन के लिए आपका ये है ही, और नोट्स चाहिए तो गुरु नोट्स है, ये दुरीना डाउनलोड करके आपको मिनिमम फीस के ऊपर ऊपर आप लिख देना एलडीसी इतने में 2024 इतने में आ जाएगा, वो एक मिनिमम फीस चार्ज रखा गया है अभी ये ऑफर के तहत। ओके थैंक यू, और भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिए।